कल्याणपुर वन क्षेत्र के अंतर्गत सोकरा वन समिति अध्यक्ष निरंजन सिंह और उनके सहयोगी वन समिति सदस्यों ने गुप्त सूचना पाकर चैनपुर वन रक्षियों के सहयोग से छापा मारकर सोकरा, हुकुआ और अजलतुआ के जंगलों में पनपते हुए छोटे छोटे बांस करील व्यापारियों और जंगलों से लकड़ी काटकर शहरों में बेचने वालों को दो पहिए वाहन और एक साइकिल के साथ दो बोरी करील और कुछ लकड़ी के साथ धर दबोचा। साथ ही कानूनी कार्यवाही हेतु मेदिनीनगर वन प्रमंडल अधिकारियों को सूचित किया। आपको बता दें कि मेदिनीनगर वन प्रमंडल और चैनपुर वन क्षेत्र के कई गांवों में बांस के साथ साथ कई ऐसे वृक्ष लगाने की प्रक्रिया काफी तेजी से चल रही है ताकि वनों को सुरक्षित और संरक्षित किया जा सके। इसके लिए जंगलों में रह रहे आदिवासी मूल निवासियों के सहयोग से कई जगह वृक्षारोपण का कार्य प्रगति पर है। यूं तो कहते हैं कि जंगलों में अनेक प्रकार की औषधियां और जड़ी बूटियां भरपूर मात्रा में पाई जाती है, पर ना जाने कब से ये व्यापारी जंगलों में पनप रहे हैं, पेड़ पौधों को नष्ट करते फिरेंगे और वन विभाग के उच्च अधिकारी कब कसेंगे पूरी तरह से ऐसे व्यापारियों पर शिकंजा। पेड़ लगा रहा है और ये सब पूरा खैर का लकड़ी, देखिए खैर का लकड़ी है। देख रहे हैं जी, गाड़ी नंबर वगैरह नहीं है, नीच में पूरा दीजिए एकदम, झुलवा उतार के लीजिए। कहाँ कहाँ से ला रहे हैं आप लोग इसको? हुकुआ में लिए हैं सर, खरीदे हैं सर। खरीदे हैं तो करील है ना, थोड़ा सा निकाल के दिखा दिया होगा। थोड़ा सा खोली खोली है क्या उनका इलाज लगाना है कुछ और था। कहाँ घर है जी आपका? चैनपुर घर है सर। क्या नाम पता है? राजू कुमार सर। राजू कुमार। पिता का नाम? स्वर्गीय रमेश प्रसाद। तो ये कब से आप लोग कर रहे हैं इसका? सर आधे काल से लिए थे। इतना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इतना पैसा खर्च कर रही है, इसमें कितना कितना लगता है आपको पता है? कितना का बांस तैयार होता है? अरे कुछ सर छोड़ दीजिए सर, गरीब आदमी है सर, छोड़ दीजिए सर, नहीं चिंता ली तो पीछे। तो कौन सा अधिक जंगल से निकला है? ये सोकरा जंगल से निकला है। और ये कहाँ के लोग ऐसे थे और कैसे कैसे सूचना मिला आप लोग कैसे पकड़े? वो हुकुआ गुड़का से न्यूज आया, हुकुआ से यहाँ करीब तस्कर खरीद रहा है, तो हम लोग डोडराय सर को फोन किए, अपना पूरे हम लोग समिति रिकॉर्ड होकर के और हम लोग छापामारी किए, छापामारी के तहत पकड़ा गया। और भी लोग थे सुनते हैं? और लोग थे तो भाग गए, निकल गए, निकल गए। कहाँ कहाँ के लोग थे बताया जा रहा है? वो चैनपुर के थे और उधर सेमटाण के भी था, लेकिन वो लोग निकल गया, रास्ता बहुत है। चलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इतना सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेदिनीनगर पलामू से अजय कुमार सिंह की रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया न्यूज। रामगढ़ प्रखंड के अंतर्गत नावाडी ग्राम में स्वर्गीय वॉल्टन दूध ड्राइव की स्मृति में 5 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट फाइनल मैच हुआ संपन्न। आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट में पलामू प्रमंडल के सभी जिलों सहित गुमला के भी बालक और बालिका दोनों खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करते हुए बालिकाओं की टीम से एकता क्लब भंडरिया बनाम मिली जुली कुसुम टोला के बीच खेला गया, जिसमें एकता क्लब भंडरिया ने बेहतर प्रदर्शन कर 2-0 से जीत हासिल कर टूर्नामेंट के फाइनल में अपना स्थान किया। तो वहीं बालकों की टीम के पहले ही फाइनल में प्रवेश कर चुके अबू सलेम नदी पार बनाम जयसरना मुसुरमु के बीच खेला गया, जिसमें निर्धारित समय के जबरदस्त मुकाबले में दोनों टीम बराबरी पर रही और अंततः पेनाल्टी किक में जयसरना ने 1-0 से जीत दर्ज कर टूर्नामेंट के इस खिताब को अपने नाम किया। तो वहीं बालिकाओं की टीम से टूर्नामेंट में एकता क्लब भंडरिया ने फाइनल में प्रवेश कर शानदार जीत दर्ज करते हुए विजेता टीम घोषित हुई तथा सुंगरंगही क्लब नवाडीह उपविजेता रही। वहीं मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
सह जिला परिषद सदस्य पूनम संगा ने पुरस्कार वितरण करते हुए खिलाड़ियों के मनोबल को ऊंचा बढ़ाया और कहा कि आप सभी खिलाड़ी खेल को प्रेम और सद्भावना के उद्देश्य से खेलते हुए आगे बढ़ें, अपने हौसले को हमेशा बरकरार रखें और अपने क्षेत्र और देश का नाम हमेशा ऊंचा रखें। तो वहीं कार्यक्रम का मंच संचालन उपाध्यक्ष जगन्नाथ डोड़ड्राई ने किया। मंच समाप्ति की घोषणा करते हुए दयानंद प्रसाद ने खिलाड़ियों को बेहतर खेल प्रदर्शन के लिए हार्दिक बधाई दी। आप सबको प्यार भरा जोहार। अभी इस मंच पे उपस्थित हमारे दूर दराज से आए हुए अतिथिगण, हमसे बड़े बड़े भाई स्वरूप, भैया दीदी, अभिभावक स्वरूप मेरे माता पिता और मेरे अपने माता पिता और जितने भी हमसे बड़े हैं उन सबों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। और जितने हमसे छोटे हैं, छोटे प्यारे नन्हे बच्चों, आप लोगों को मेरी ओर से बहुत सारा प्यार। आज फुटबॉल टूर्नामेंट का आखिरी खेल था और इस खेल में अभी इस लास्ट टाइम तक जो विनर हुए, जो हारे, अभी इस वक्त हमारे सम्मुख में बैठे हुए हैं, जिन्होंने जीत हासिल किया है उन सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और उनको आगे बढ़ने के लिए मेरी ओर से शुभकामना देती हूँ। और जो विजेता नहीं हो पाए उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने मन को उदास ना करें, आप निराश ना हो, परंतु आप भी उस ऊंचाई की लक्ष्य को, सफलता की ऊंचाई को छूने के लिए हमेशा तत्पर रहें। मैंने यहाँ जब फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ था उस दिन मैंने कहा था, आज फिर से मैं वही बात कहना चाहूँगी कि सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलती है, एक है कठिन परिश्रम और दूसरा है दृढ़ संकल्प। आप लोगों को दृढ़ संकल्प लेते हुए और कठिन परिश्रम करते हुए अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि आप लोग कहीं टूर्नामेंट हुआ, कहीं खेल का प्रोग्राम हुआ, आप लोग जोश के साथ गए और केवल एक दिन के लिए अपने उस जोश को बनाए रखे, जब खेल समाप्त हुआ तो आप लोग का सारा जोश खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लोग अपने जोश को, अपने हौसले को कभी भी कम ना होने दे, एक चिराग की तरह हमेशा जलते रहने दे और आप खेल के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ते जाएं और अपने गांव, अपने समाज और इस देश का नाम रोशन करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज और अभी इस खेल के बाद रामगढ़ प्रखंड अंतर्गत नवाडी ग्राम में आवेशलेम नदी पर जो मैच का ओपनिंग बालक वर्ग का आज के 5 दिन पहले सेमीफाइनल मैच 21 तारीख को यह मैच की शुरुआत की गई थी। आवेशलेम नदी पर वर्सेस आपको बताते चले ये मुंडा बंडस, जैसे ही खेल खत्म होता है स्टेज के सामने आप मैदान में बैनर लगी हुई है प्रवेश करने का कष्ट करेंगे। पूर्व जिला परिषद सदस्य जैसे ही खेल खत्म होता है स्मृति में ये मैच का आयोजन आप मैदान में प्रवेश करेंगे। आज के मुख्य अतिथि उनकी पत्नी पूनम संगा जी भी आज उपस्थित हैं। चलिए, लोग कहते हैं कि खेल जो है एक प्रेम सद्भावना का प्रतीक है। आपको मैं एक अपने कैमरेमैन से दिखाना चाहूँगा, बोलूँगा कि आप एक बार पूरे ग्राउंड की तरफ आप नज़ारा करें। देखिए, पूरे ग्राउंड में भीड़ जो है वो खचाखच भरी हुई है और सिर्फ भीड़ ही नहीं दिख रही है आपको, एक चीज़ और मैं यूनिक यहाँ बता दूँ आपको, मैच जो है वो बालक और बालिकाओं दो मैचों का आयोजन है। टूर्नामेंट में बालक और बालिकाओं दोनों ने हिस्सा लिया है। कुछ देर बाद मैं अभी आपको रूबरू करवाऊँगा। अभी जो फाइनल मैच, ये सेमीफाइनल मैच चल रहा है आपका बालिका का, वो एकता क्लब भंडरिया और मिली जुली कुसुम टीम के बीच ये मैच अभी चल रहा है और देखते हैं आज के इस सेमीफाइनल में सेमीफाइनल के विजेता बालिका टीम से कौन होता है। इसके बाद फिर फाइनल की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।
पलामू से अजय कुमार सिंह की रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया न्यूज। देखते रहिए टीवी वन इंडिया न्यूज। नमस्कार। और टीवी वन इंडिया न्यूज की खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।